राजस्थान में 6 मई को 12 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनावों को प्रचार के लिए दिग्गज नेताओं का आना और जाना जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी यहां पहुंचे। उन्होंने चौमू में सीकर प्रत्याशी सुभाष मेहरे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने एक बार फिर चौकीदार चोर है नारे की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह पूरे देश में चल रहा है। राहुल ने राफेल घोटाले पर जिक्र करते हुए 15 बिजनेसमैन का 5,55,00,00,00 रुपए का खर्च माफ करने पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के साथ धोखा किया है, साथ में हर नागरिक से वादा किया था कि उसके खाते में 15,00,00,000 रुपए आएंगे, जो सरासर झूठ है। चौकीदार ने कई चोरियां की है। राहुल ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी को एक बार फिर आड़े हाथ लिया। राहुल ने न्याय योजना के फायदे बताए, जिसमें गरीबों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे, साथ में चुनाव परिणाम में खास भूमिका निभाने वाले युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। वहीं जनसभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संबोधित किया। देखिए, ये नारा सब जगह चला है। ये मत सोचिए कि सिर्फ सीकर में चला है, ये पूरे हिंदुस्तान में अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये जो इसने चोरी की है, चौकीदार जी ने जो चोरी की है, किससे चोरी की है? हाँ, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की वायु सेना से चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए, पहली चोरी। दूसरी चोरी, 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का चौकीदार जी ने कर्जा माफ किया है। अब हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का छोटा दुकानदार, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले युवा, उनका कर्जा एक रुपया माफ नहीं किया, एक का माफ नहीं किया, मगर 15 लोगों का 5,55,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ किया है। दूसरी चोरी। तीसरी चोरी, किसानों से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हर किसान को मैं सही दाम दिलवाऊंगा, कर्जा माफ करूंगा और किसान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। आप सबको मालूम है कि राहुल जी ने लगातार जो आह्वान किया है प्रदेशवासियों को, जिसके कारण हमारी सरकार बनी, सरकार बने हुए 3 महीने हुए अभी, और 3 महीने में जो राहुल जी की भावना थी उसके अनुरूप हम लोगों ने कमी नहीं रखी फैसले करने के अंदर। कर्जे माफ किए कॉपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के, हमने वादा कर रखा है। इलेक्शन की आचार संहिता आ गई, बैंकें केंद्र सरकार की होती है, नेशनल बैंक, बातचीत चल रही है, चुनाव होते ही 2,00,000 तक के कर्जे का वादा किया है, वो हम निभाएंगे, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। हमने कहा 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, पहले आपको अनुभव है, सरकार बनी हमारी तब भी हमने घोषणा करी थी, उसको हमने निभाई थी। इसी प्रकार से किसानों के लिए जो हमने कहा है वो पहले करके दिखाया, अब भी मैंने कहा है कि 1,00,000 कनेक्शन कुओं पर देने का वो काम आधे से अधिक हो चुका है, और मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इसी प्रकार से हमने आते ही पेंशन जो थी 500 रुपये 750 करी, 750 1,000 करी। इस प्रकार से हमने एक नया फैसला किया, पानी के बिल जो है, पानी निःशुल्क कर दिया गया है पूरे गांव के अंदर, कोई बिल नहीं आएगा, निःशुल्क पानी रहेगा। तो जो मैनिफेस्टो लिखा उसके अनुसार हमने तमाम वादे पूरे कर रहे हैं, बल्कि दवाइयां जो महंगी है कैंसर की, किडनी की और हार्ट की,
वो दवाएं 600 दवाएं के साथ में हमने इनको भी घोषणा कर दी है, तीनों दवाएं आपको फ्री मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं पूरे प्रदेशवासियों।